नेक्स्ट लाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उलक रहमान। नए संसद भवन को लेकर के आप देख रहे हैं कि देश भर में इस समय राजनीति उफान पर है। दरअसल हर विपक्षी पार्टी दल के जो बड़े रहता है वो इस पूरे मुद्दे पर अपने जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। सवाल यह है कि जो विपक्षी दलों ने मांग रखी है, लगभग जो 20 से 21 विपक्षी दल है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू के हाथों ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना चाहिए। और ये पूरा मामला अब इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपने अपने पक्ष को जो है स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सवाल ये है कि इस समय जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर वाकई यहाँ पर नए संसद भवन को लेकर के खींचतान जारी है, तो जाहिर सी बात है कि जो है बीजेपी को अपने पक्ष को जो है स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि जो है विपक्ष की मांग किस तरीके से गलत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका उद्घाटन किया जाना कैसे सही है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू को लेकर के विपक्ष लगातार इस बात को इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उस समय आपने देखा था कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो है कई तरीके की बातें जो है कही गई थी और ये कहा गया था कि विपक्षी दल जो है वो दलित विरोधी और इस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जब देखिए कि जब खुद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपना है तो वो पूरी तरीके से जो है इस पूरे मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे, यानी कि उन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर द्रौपदी मुर्मू के उद्घाटन किए जाने पर कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया है। तो ये साफ उनकी नीति और जो है कथनी और करने में जो फर्क है उसको दिखला रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।